गुजरात की 3 और पश्चिम बंगाल की 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। गुजरात से क्रॉस वोटिंग की खबरें। राज्यसभा में 2 तरह के नोटों की छपाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस ने इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा, बीजेपी के लिए अलग से नोट छप रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। हलफनामे में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने और उससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाए जाने की बात कही। राहुल गांधी पर हमले की घटना पर लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल ने सुरक्षा की अनदेखी कर एसपीजी की बात नहीं मानी। सरदार सरोवर बांध में विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को जरूरी बनाने की अर्जी खारिज की। कहा, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बवाल। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा, पार्टी को सोचना होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा की संभावना। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में सुभाष बराला ने चुप्पी तोड़ी। कहा, कर्णिका मेरी बेटी की तरह, बेटे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। और इंग्लैंड ने 19 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को अपने घर में हराकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से जीती।